बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी करने के बाद शिक्षक संघ पूरी तरह भड़क गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर, और इस पर अब शिक्षक संघ जो है आग पार के मूड में आ गया है। जी हाँ, शिक्षक संघ ने चेतावनी दे दी है। जो टीईटी एसटीईटी पास नियोजित शिक्षक संघ है, उन्होंने साफ कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल महागठबंधन के जो की जो सरकार है, और उसी के 6 दल शिक्षकों के साथ है, तो उन्होंने कहा कि ये दलों पर जो है बड़ा सवाल भी है कि क्या वो सचमुच साथ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। टीईटी एसटीईटी पास नियोजित उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक संघ है, उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, उसके जो प्रवक्ता हैं अश्विनी पांडे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए जो अध्यापक की बहाली होनी है उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जबकि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं वो आंदोलनरत हैं कि हमें बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग ये आश्वस्त हैं कि सरकार को पीछे हटना होगा और सुनना पड़ेगा। कारण ये है कि आप 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा नहीं कर सकते हैं, और महागठबंधन सरकार के घोषणा पत्र में हम लोगों के मांगों को शामिल किया गया था। आप तो समान काम समान वेतन की बात करने वाले लोग थे, ये राज्यकर्मी में हम लोगों को फंसा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा, और लगभग उतने ही शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी छलावा है। ये नियमावली ही छलावा है जिसके आधार पर ये बहाली होने जा रही है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाले समय में हम लोग आंदोलनरत तो हैं ही, चरणबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। महागठबंधन में शामिल लगभग 7 दलों में से 6 दल जो है हम लोगों के समर्थन में है, तो उन लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल है कि क्या वो लोग सच में हम लोगों के साथ हैं या छलावा है। तो उन लोगों के लिए भी ये चुनौती है, और हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि आप समझिए चीज़ों को। अगर ये 1,70,000 जो आपने वैकेंसी लाया है, इसमें अगर बिहार के नियोजित शिक्षकों की बहाली हो जाती है तो फिर आपके रोजगार का दावा झूठा हो जाएगा, और अगर इसमें केवल अभ्यर्थियों की बहाली हो जाती है तो फिर आपने पूर्व से जो बहाली किया है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोनों तरफ से सरकार के की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, ये सरकार समझ नहीं रही है, और सरकार को समझना चाहिए। और ये जो नियमावली है इसमें उचित संशोधन करके बिहार के नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा से अलग रखना चाहिए, और उन्हें बिना किसी शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात, मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ जो लोग केवल सोशल मीडिया पे अफरा तफरी मचाए हुए हैं और आके शिक्षक नेताओं को और बाकी लोगों को बोलते हैं और कमेंट बॉक्स में आके उलूल जुलूल कमेंट करते हैं, तो जान लीजिए वो लोग वही लोग हैं जो किसी आंदोलन में शामिल नहीं रहे हैं। घर बैठ के सोए सोए मजा लेने का ये लोग आदत हो गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस शिक्षक जो राजनीति है और शिक्षकों के उत्थान के लिए जो लड़ाई है उसमें सम्मिलित होइए, केवल सोशल मीडिया पे इधर उधर की बातें ना करें। आपको ठीक है हमारे संगठन में या हमारे मोर्चा में आस्था नहीं है, जिसमें आस्था हो उसके साथ रहिए, लेकिन शिक्षकों के लिए और अपने हित की रक्षा कीजिए। आपके लिए है, आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप क्या, हम लोग विद्यालय में क्या नैतिकता का ज्ञान बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहले हमें ठीक करना है, हम अपने ये को ठीक कर लेंगे तब तो बच्चों को सिखाएंगे ना कि नहीं अत्याचार के खिलाफ लड़िए। तो यहाँ सरासर 8 लाख परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध हम लोग जारी रखेंगे, और आने वाले समय में हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और तेज होगा। अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार। तो सुन लिया आपने कि उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार अपने वादे से मुकर रही है। घोषणा पत्र में तो महागठबंधन के दलों ने, कांग्रेस ने और उसके साथ साथ आरजेडी ने और माले, तमाम दलों ने समान काम समान वेतन की बात कही थी, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं। घोषणा पत्र में समान काम समान वेतन की जो बात थी वो
तो दूर अब राजकर्मी के मामले में फंसाया जा रहा है। राजकर्मी का दर्जा देने के नाम पर परीक्षा थोप दी गई है। तो तमाम बातों का जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं जो शिक्षक संघ है, और अब कहना है सरकार को उन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है संघ ने, और कह दिया है सरकार को किसी भी कीमत पर पीछे हटना ही होगा। शिक्षक संघ के आंदोलन में जो शामिल है, जो महागठबंधन के दल खास करके CPIML है, वो लगातार साथ दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मनसा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षक संघों ने कह दिया है कि आखिर ये कौन सी मनसा है उनकी कि सरकार एक तरफ के दल जो है विरोध कर रहे हैं साथ शिक्षकों के आकर, और दूसरी तरफ सरकार परीक्षा लेने की कवायद कर रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।